नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज बड़ा ही भावुक आर्टिकल है आप लोगों के सामने जो आज ही मैंने लिखा है और बहुत ही मुश्किल हालात में लिखा गया है कि आज ही लता जी का देहांत हुआ है और आज ही मैंने ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, एक तरह से एक ट्रिब्यूट समझ सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करें और सब्सक्राइब करें संजीव गोस्वामी। सो आर्टिकल लता मंगेशकर द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, भारत की सुर साम्राज्ञी, भारत की सबसे सुरीली आवाज़ आज थम गई है, उस पर एक आर्टिकल में ट्रिब्यूट के तौर पर लिखा है। लता मंगेशकर हैज बीन द स्वीटेस्ट एंड सोलफुल वॉइस ऑफ इंडियन सिने म्यूजिक। लता मंगेशकर भारत की सबसे मधुरतम और एक आत्मा से भरी आवाज़, एक सोज, एक सदा रही है फॉर लास्ट 70 years, पिछले 70 सालों। शी स्टार्टेड हर करियर इन द एज ऑफ जस्ट 13, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने अपना करियर शुरू किया। शी सैंग सॉन्ग्स इन 36 languages, उन्होंने 36 भाषाओं में गीत गाए। शी सैंग ऑलमोस्ट 40,000 songs, तकरीबन 40,000 गीत गाए। शी स्टार्टेड हर करियर इन 40s, अपना करियर 1940 के दशक में शुरू किया। एंड शी सैंग टिल 20s और 2000 के दशक तक उन्होंने अपना करियर जारी रखा, गीत गाती रही। हर वॉइस हैज बीन द रिकग्निशन ऑफ इंडियन म्यूजिक, और उनकी आवाज ही अपने आप में भारतीय सिनेमा की, भारतीय संगीत की एक पहचान थी, एक तरह की बुनियाद भी थी। हर सॉन्ग्स विल नेवर बी फॉरगॉटन, उनके गीत कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे। दो शी इज नो मोर, हालांकि अब वो हमारे बीच नहीं है, येट तो भी शी विल बी अलाइव, वो जीवित रहेंगी इन आवर हर्ट्स, हमारे दिलों में। हाउ कुड वी फॉरगेट, हम कैसे भूल पाएंगे, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है। वी विल मिस यू लता जी, हम कभी आपको भूल नहीं पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।